हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और नी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्राम। क्या देखने जा रहे हैं? प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं। क्या इस चीज़ का? प्रोग्राम का। क्या है? प्रोग्राम का। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। प्रोग्राम। क्या देखने जा रहे हैं? प्रोग्राम। देन 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 वॉट What is the program? What is the program? Then what is the program? Then program is program is the program is the set of rule which is perform some special task which is perform some special task which is given by the user is known as program। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो क्या देख रहे थे हम लोग? प्रोग्राम। क्या देख रहे थे? प्रोग्राम। देन प्रोग्राम में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम किसे कहते हैं? क्या 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 बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम किसे कहते हैं? देन देन प्रोग्राम इज द सेट ऑफ रूल। प्रोग्राम क्या है? सेट है। सेट मतलब क्या हुआ? बनाया गया नियम। सेट मतलब क्या हो गया? सेट मतलब हो गया बनाया बनाया गया रूल। रूल का क्या हो गया? नियम। बनाए गए नियम को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। बनाए गए नियम को क्या कहते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। विच परफॉर्म, जो कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। सम स्पेशल मतलब कुछ विशेष कार्य। सम स्पेशल मतलब कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष टास्क। टास्क मतलब क्या हो गया? कार्य। कुछ विशेष कार्य विच इज गिवेन, जो गिवेन दिया जाता है किसके द्वारा? बाय द प्रयोगकर्ता के द्वारा। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोग्राम? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोग्राम? देन प्रोग्राम इज द सेट ऑफ रूल। प्रोग्राम क्या है? बनाए गए नियम है जो क्या करता है? उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम है। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ रूल। प्रोग्राम एक बनाए गए नियम है। क्या है? बनाया गया नियम है। विच इज जो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ रूल। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ रूल है। विच इज परफॉर्म, जो कार्य करता है। सम स्पेशल टास्क जो कुछ विशेष कार्यों के लिए, जिसको क्या करता है? कुछ विशेष कार्य को करता है। विच इज गिवेन बाय द यूजर, और जो कार्य
किसके द्वारा दिया जाता है? प्रयोगकर्ता के द्वारा, हम लोगों के द्वारा दिया जाता है कुछ विशेष कार्य करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इज नोन एज प्रोग्राम। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम किसे बोलते हैं? प्रोग्राम उसे बोलते हैं जो क्या होता है, एक सेट होता है। किसका? नियम का। नियम का सेट होता है, क्या होता है? नियम का सेट होता है जो बनाया जाता है। क्या होता है? जो बनाए गए नियम का एक सेट होता है। जैसे हम लोग कॉपी को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन रखते हैं। जैसे जैसे हम लोग को क्या है कि जैसे हम लोग का सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस में क्या है कि पहले क्या है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और फिजिक्स है। उसी प्रकार इसमें क्या है कि अभी एक सेट किया हुआ रूल होता है। क्या होता है? एक सेट किया हुआ रूल होता है जो क्या करता है, जो एक विशेष कार्य के लिए क्या करता है, विशेष कार्य के लिए जो एक विशेष कार्य करता है। विशेष कार्य मतलब जो प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है कार्य। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल चलाने में हम लोग क्या, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक में क्या, फेसबुक में क्या है कि कुछ स्पेशल कार्य होता है। स्पेशल कार्य क्या, जैसे हम अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो उस जो पिक्चर जो अपलोड करने का जो प्रोसेस है, जो सीध नियम है, उसे जो सेट किया हुआ है, क्या किया, सेट किया हुआ। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम लोग अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ता है। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद में क्या करता है, उसमें शेयर करना पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट किया हुआ है, क्या है, सेट किया हुआ है रूल है, सेट किया हुआ रूल है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, जो स्पेशल क्या, स्पेशल जो पिक्चर को शेयर करता है, वो क्या हो गया हम लोग का, प्रोग्राम हो गया। उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम हो गया। जो सेट होता है नियम का, जो पहले आपको पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पिक्चर लेना पड़ेगा, पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद में फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो वो जो सेट होता है, नियम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। पिक्चर एंड जो, और क्या करता है वह, किसके द्वारा दिया जाता है? प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता जो द्वारा, जैसे मतलब हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, एक सेट है, एक रूल है जो क्या करता है, बनाया गया है जो क्या करने, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का, प्रोग्राम हो गया। क्या हो गया? प्रोग्राम हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। देन क्या देख रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। देन क्या देख रहे थे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, इन प्रोग्राम या ऑफ प्रोग्राम, ऑफ प्रोग्राम, ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के कितने कितने प्रकार होते हैं, प्रोग्राम के कितने प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर के कितने प्रकार, स्ट्रक्चर के कितने प्रकार होते हैं, किसमें, प्रोग्राम का, इन प्रोग्राम, क्या होगा, इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में स्ट्रक्चर के कितने प्रकार होते हैं। देन देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। देन देन देयर आर, देन देयर देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होता है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इन विच नंबर वन विल बी, इन विच नंबर वन एल्गोरिथम, क्या, एल्गो, एल्गोरिथम,
एल्गोरिथम, और दूसरा क्या होता है हम लोग का, और दूसरा हम लोग का होता है फ्लो चार्ट। क्या होता है? फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट प्रोग्राम। क्या? फ्लो चार्ट प्रोग्राम। और दूसरा क्या है? एल्गोरिथम प्रोग्राम, प्रोग्राम। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। देन देयर आर टू टाइप्स। क्या बोल रहा है? देयर आर टू टाइप्स, मतलब प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। किसमें? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। किसमें? प्रोग्राम में। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। किसमें? प्रोग्राम में। इन विच नंबर वन, जिसमें पहला होता है, जिसमें हम लोग का पहला क्या होता है? एल्गोरिथम प्रोग्राम। क्या होता है? एल्गोरिथम प्रोग्राम। और दूसरा क्या है? फ्लो चार्ट प्रोग्राम। दूसरा क्या हो गया हम लोग का? फ्लो चार्ट प्रोग्राम। तो पहला हम लोग का क्या हो गया? एल्गोरिथम प्रोग्राम, और दूसरा क्या हो गया? फ्लो चार्ट प्रोग्राम। तो एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। तो क्या देख रहे थे हम लोग? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ रूल। प्रोग्राम क्या है? एक सेट किया हुआ नियम है। क्या है? सेट किया हुआ नियम है, निर्धारित किया हुआ नियम है, जो जो कुछ विशेष कार्य के लिए, जो कुछ विशेष कार्य करता है। क्या करता है? जो कुछ विशेष कार्य करता है। विच इज गिवेन बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा दिए गए कुछ विशेष कार्य को क्या करता है? परफॉर्म करता है, मतलब उसे पूरा करता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो दूसरा क्या था हम लोग को? स्ट्रक्चर। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चर में प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं? प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जिसमें पहला क्या होता है हम लोग का? पहला हम लोग का होता है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। दूसरा हम लोग का क्या होता है? फ्लो चार्ट। दूसरा क्या होता है हम लोग का? फ्लो चार्ट प्रोग्राम। और पहला क्या होता है? एल्गोरिथम प्रोग्राम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जिसमें अब हम लोग पहला देखेंगे एल्गोरिथम प्रोग्राम। क्या देखेंगे? एल्गोरिथम प्रोग्राम। पहला हम लोग क्या देखेंगे? जिसमें हम लोग पहला देखने जा रहे हैं एल्गोरिथम। क्या देखने जा रहे हैं? एल्गोरिथम, एल्गो, एल्गो रिथम, एल्गो रिथम। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? एल्गोरिथम। देन व्हाट इज द एल्गोरिथम, देन व्हाट, व्हाट इज द एल्गो, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम किसे कहते हैं? इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में एल्गोरिथम किसे कहते हैं? व्हाट इज द एल्गोरिथम इन प्रोग्राम? तो देन, देन दोज मेथड, वह विधियां, दोज मेथड, दोज मेथड विच, विच इज सॉल्व, सॉल्व द प्रॉब्लम, विच इज सॉल्व द, विच इज सॉल्व द प्रोग्राम, सॉल्व द प्रोग्राम, विच इज सॉल्व द प्रोग्राम, स्टेप बाय
स्टेप बाय स्टेप एंड वन बाय वन इज नॉन एज एल्गोरिथम प्रोग्राम एल्गोरिथम प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एल्गोरिथम प्रोग्राम। एल्गोरिथम प्रोग्राम इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में एल्गोरिथम किसे कहते हैं। देन डॉज मेथड, क्या डॉज मेथड, वह विधि, क्या वह विधि विच इज सॉल्व, जो क्या करता है, सॉल्व करता है, मतलब समाधान करता है, समाधान विच इज सॉल्व द प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं, सेट ऑफ रूल बनाया गया नियम, क्या बनाया गया नियम, स्टेप बाय स्टेप, जो क्या करता है कि बनाए गए प्रोग्राम, प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सेट ऑफ रूल, जो नियम को बनाए गए नियम को क्या करता है, जिस विधि से बनाए गए नियम को क्या करता है, जो बनाए गए नियम को समाधान करता है, सॉल्व करता है, वन बाय वन एंड स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक या तो एक के बाद एक, उसे हम लोग एल्गोरिथम प्रोग्राम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिथम प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में फिर ले लेते हैं, पहले एग्जांपल में क्या ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल पर में हम लोग फिर ले लेते हैं फेसबुक, जिसमें फेसबुक का क्या है कि फेसबुक में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले हम लोग को पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पिक्चर सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है कि पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद में उसको आप क्वालिटी दे सकते हैं, या तो उसका ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, या तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, अपलोड का, अपलोड से भी पहले क्या आता है हम लोग को, म्यूजिक का ऑप्शन आता है कि अपने फ़ोटो में कौन सा म्यूजिक बैठाएंगे, तो क्या होता है कि म्यूजिक का ऑप्शन आता है। तो क्या हुआ, पहला स्टेप हम लोग का क्या हुआ, पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया, दूसरा को हम लोगों ने क्या किया, दूसरा में हम लोगों ने उसका ब्राइटनेस कम किया, उसमें म्यूजिक ऐड किया, तीसरा में हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग जाके स्टोरी लगाते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि यह एक स्टेप बाय स्टेप कार्य कर रहा है। पहले पिक्चर सेलेक्ट किया, फिर अपने क्या किया, पिक्चर के ऊपर म्यूजिक लगाया, डायलॉग लगाया, और क्या किया, उसके बाद अपलोड किया। तो क्या करता है कि इस विधि, क्या इस बनाए गए विधि को क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इज नॉन एज एल्गोरिथम, जो क्या करता है, बनाए गए नियम, प्रोग्राम हम लोग किसे बोलते हैं, सेट ऑफ रूल, बनाए गए नियम को क्या करता है, सॉल्व करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एल्गोरिथम प्रोग्राम बोलते हैं। तो हम लोग का फेसबुक में जो अपलोड करते हैं वो भी क्या हो गया, हम लोग का एल्गोरिथम प्रोग्राम हो गया, क्या हो गया, एल्गोरिथम प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम प्रोग्राम किसे कहते हैं, जो क्या करता है, वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे हम लोग एल्गोरिथम प्रोग्राम बोलते हैं। दूसरा क्या हम लोग को, दूसरा हम लोग का हो गया एल्गोरिथम, दूसरा हम लोग का हो गया फ्लो चार्ट, क्या हो गया, फ्लो चार्ट। देन व्हाट इज द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, what is the flow chart in program, प्रोग्राम में फ्लो चार्ट किसे कहते हैं। देन
देन डॉज मेथड, क्या डॉज मेथड विच इज रिप्रेजेंट दोज मेथड विच इज रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम विच इज रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम प्रोग्राम एन दोज मेथड विच इज रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम प्रोग्राम ए ग्राफिकली दोज मेथड विच इज रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम प्रोग्राम ए ग्राफिकली मेथड इज नोन एज फ्लो चार्ट प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है कि फ्लो चार्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं, देन व्हाट इज द फ्लो चार्ट इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, देन वह विधि विच इज रिप्रेजेंट का क्या होता है, प्रस्तुत करना, क्या करता है विच इज रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम प्रोग्राम किसे बोलते हैं, विच इज सॉल्व द प्रोग्राम स्टेप एंड वन बाय वन प्रोग्राम मेथड को क्या करता है, ग्राफिकली मेथड इज नोन एज फ्लो चार्ट प्रोग्राम, उसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट प्रोग्राम किसे बोलते हैं फ्लो चार्ट प्रोग्राम उस प्रोग्राम को बोलते हैं जो क्या करता है कि एल्गोरिथम प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्राम होता है उसे क्या करता है एक ग्राफिकल में क्या करता है ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करता है क्या करता है ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करता है जैसे क्या करता है कि पहले ग्राफिकल मतलब उसका एक स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट करता है, जैसे पहले इसमें किया फिर इसमें गया फिर इसमें गया, तो ये क्या हो गया ग्राफिकल हो गया, एक ग्राफ बना के एक ये क्या है ग्राफ बनाकर क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करने का क्या हुआ कि पहले क्या किया पिक्चर लिया फिर पिक्चर को क्या किया इसमें म्यूजिक ऐड किया और इसमें क्या किया फिर शेयर किया, तो क्या कर रहा है कि वह स्टेप बाय स्टेप कर देता था कि पहले पिक्चर लेता था फिर म्यूजिक सेलेक्ट करता था उसके बाद अपलोड कर देता था, लेकिन यह क्या है कि ग्राफिकल मेथड से जो क्या करता है प्रस्तुत करता है उसे हम लोग फ्लो चार्ट किसे बोलते हैं जो एल्गोरिथम प्रोग्राम को क्या करता है ग्राफिकली मेथड्स में प्रेजेंट करता है जो वन बाय वन क्या करता था प्रोग्राम को क्या करता था सॉल्व करता था, लेकिन फ्लो चार्ट किसे कहते हैं कि फ्लो चार्ट क्या करता है कि वही एल्गोरिथम प्रोग्राम को क्या कर दिया है कि वही एल्गोरिथम प्रोग्राम को किसमें रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफिकल विधि से उसे रिप्रेजेंट कर दिया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिथम, देन व्हाट इज द एल्गोरिथम दोज मेथड वह विधि जो क्या होता है सेट ऑफ रूल होता है उसको क्या करता है वन बाय वन सॉल्व करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे फ्लो चार्ट
फ्लो चार्ट क्या करता है, एल्गोरिथम को वन बाय वन नहीं करके क्या करता है वो, एक ग्राफिकल मेथड से, क्या है, एक ग्राफिकल मेथड से उस प्रॉब्लम को वो क्या करता है, उस प्रोग्राम को सॉल्व करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट।